वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉप एंड ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ वो क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने रिक्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए आपके जो क्वेश्चन है मैं आप एक एक करके आपके क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। आई होप जिनके क्वेश्चन आंसर का आंसर नहीं मिले तो डेफिनेटली आप दोबारा से मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द प्रायरिटी ऑफ द क्वेश्चन ये देखा जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला है या नहीं, क्योंकि एक बहुत सारे लोग काफ़ी कॉमन कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं जो कि ऑलरेडी मैं कवर कर चुका होता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन है हरेंद्र यादव का, उन्होंने पूछा है सर मैंने आपके चैनल पर बुक ड्राइंग बुक बुक किया था वो अभी तक नहीं आया, मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों जो भी आप बुक परचेज करते हो वो हार्ड कॉपी में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप देखोगा कि जो भी आप बुक्स परचेज करते हो उसका एक बिल्कुल ही एक मिनिमम प्राइस मैंने रखा है जो कि आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही अवेलेबल होगा। दोस्तों हार्ड कॉपी की प्राइजेज आप चेक कर सकते हैं कि कितनी हार्ड कॉपी कितनी कॉस्टली होती है, तो सो दैट यदि आपको लगता है कि आप आपकी बजट में आता है आप सॉफ्ट कॉपी से काम कर सकते हो डेफिनेटली आप तभी ही उसको बाय कीजिए, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी हार्ड कॉपी की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाकर के आप हार्ड कॉपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, यदि आप लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आइए आपके लिए ये सारा मटेरियल आप वहां से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव कुमार, सर कहीं पर बॉयलर बोर्ड बैठ रहा है क्या, मुझे सेकेंड क्लास का बॉयलर सर्टिफिकेट बनवाना है। दोस्तों अभी रिसेंटली क्या है, आज मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो दोस्तों आज ही झारखंड धनबाद ने क्या है बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया है। आप इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो क्या है अलग से बनाऊंगा, तो आप चिंतित ना रहे क्योंकि काफ़ी एक अब की बार तो काफ़ी टाइम दिया है उन लोगों ने, आप आसानी से क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि फनेस में ट्यूब के पार्ट के वीडियो बनाइए, मोटिवेटेड वीडियो का ये क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली मोटिवेटेड वीडियो हम क्या है फर्नेस में जितने टाइप ऑफ फर्नेस या फर्नेस में क्या क्या चीज़ें लगी होती है वो डेफिनेटली हम उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, डेफिनेटली हम इस क्वेरी पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिकस, इनने वैसे ही एक कैंडिकस के माध्यम से क्या है उन्होंने चैनल बनाया होगा, लेकिन क्या है उनका कहना है कि व्हेन टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ये झारखंड जो कि रिसेंटली झारखंड बीओईज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं भी यही कहना चाहूँगा, तो बी पैशनेट, जितनी जल्दी एग्ज़ाम लिया है उन्होंने वाइस लिया है उतनी ही जल्दी क्या है वो एग्ज़ाम रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि बी पैशनेट, काफ़ी थोड़ा कुछ टाइम तो हो गया है लेकिन क्या है आने वाले मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 वीक के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर केशव राव, तो इन्होंने पूछा है कि पावर प्लांट मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए बुक कौन सा प्रेफर करूँ। तो केशव राव जी मैं जस्ट आपको यही कहना चाहूँगा, आप कितनी ही बुक्स रीड कर लीजिए कितना ही कुछ पढ़ लीजिए, जो फील्ड में जाकर जो काम होता है जो अपने हाथों से आप करते हो मेंटेनेंस, दोस्तों उसके सामने कोई भी बुक्स नहीं काम आएगी। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप हाँ यदि क्या है आप मेंटेनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो क्या है आप बुक के साथ क्या है अपनी जो क्वालिटी है मेंटेनेंस की क्या है वो इन्हेंस कर सकते हो, लेकिन क्या है आपको डेप्थ नॉलेज सिर्फ आपको चीज़ों के साथ जुड़कर ही आएगी। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है, मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, वैसे है मार्केट में काफ़ी सारी बुक है लेकिन क्या है कि रिस्पेक्टिव प्लांट में क्या है डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो प्लांट में जो स्पेस लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है आप उनके मैनुअल्स रीड करके या फिर उनके जो भी प्रोसीजर है या इस तरीके से क्या है आप उनको रीड कर सकते हैं और डेफिनेटली आप क्या है अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये है आप अपनी जो क्वालिटी है ऑफ मेंटेनेंस इसको इन्हेंस करना, तो डेफिनेटली आप बुक आप अपने अकॉर्डिंग अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाकर क्या आप देख सकते हैं।
मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है एओ को, बहुत सारी हिंदी में तो नहीं है लेकिन क्या है इंग्लिश में भी क्या है बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर देख लीजिए। तो नेक्स्ट है डीसीएस टर्बाइन रोलिंग का वीडियो बनाइए सर जी, ये शशि गुप्ता हमें बता रहे हैं। तो डेफिनेटली शशि गुप्ता जी, हम जो टर्बाइन डीसीएस के थ्रू जो रोलिंग प्रोसीजर होता है, डेफिनेटली हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और वैसे देखा जाए तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक्स मैं क्या है इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि क्या है आपको एक बेसिक नॉलेज दे देगा कि कैसे किस तरीके से आपको आफ्टर आपका स्टीम टेम्परेचर आने जाने के बाद आपको क्या रोलिंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, लेकिन फिर भी क्या है यदि डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली मैं आपके लिए बना दूंगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश सिंह का, हेलो सर, बॉयलर का लाइसेंस बनवाना है सर प्लीज़। तो दोस्तों राकेश कुमार, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अभी आपके पास मौका है, यदि आपका एक्सपीरियंस बॉयलर फील्ड में है एज ए, यदि आपको सेकंड क्लास करना है एज ए फायरमैन आपका वर्क होना चाहिए, यदि फिर फर्स्ट क्लास करना है तो आपके पास सेकंड क्लास का लाइसेंस होना अनिवार्य है। और देखा जाए तो आपको यदि बॉयलर लाइसेंस बनवाना ही है तो दोस्तों ये क्या है मिनिमम आपका जो हीटिंग सरफेस एरिया है वो 50 वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो आपकी योग्यता है वो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बार बार रिपीट करता रहा हूँ, इसका लिंक भी मैं क्या है इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल वीडियो से, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं जिसमें मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एन सिनम का, इन्होंने पूछा हाउ मैनी टोटल वाल इन 75 वाट लिग्नाइट बोल्डर। तो दोस्तों देखो, मैंने 75 मेगावाट का लिग्नाइट का बोल्डर तो मैंने देखा नहीं है, और ये एक इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है, फिर भी मैं आपको आपको अपडेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों देखो मत पूछा करो प्लीज़, क्योंकि इसके लिए मैं क्या इसके इसका आंसर क्या दूँ मैं, कि आप बताइए कि 75 वाट लिग्नाइट बोल्डर में कितने बल्ब्स लग जाते हैं। तो दोस्तों आपकी मशीन है, आपको खुद पता होना चाहिए कि कितने वाल्व्स लगे होते हैं, मैंने तो नहीं देखा ये मॉडल, तो डेफिनेटली इस तरीके से क्वेश्चन मत पूछिए, जो आपको यदि टेक्निकल डिस्कशन करना हो तो डेफिनेटली आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें भी अच्छा लगता है रिप्लाई करके। नेक्स्ट है अमोल पालेकर, थैंक्स फॉर वीडियो, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अमोल पालेकर, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये काम करते हैं हम लोग, और यदि आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप हमें अप्रिशिएट करिए, क्योंकि इससे हमारा क्या है मोटिवेशन मिलता है हमें और फर्दर वर्क करने के लिए। इन्हीं का एक और क्वेश्चन है सर, CO2 स्टीम में कैसे टेस्ट करते हैं, कि भाई इनका पूछना है कि जो हमारी स्टीम है उसमें CO2 परसेंटेज कितनी होती है, वो कैसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या है मिस्टर अमोल पालेकर, क्या है एक स्टीम टेस्टिंग किट आती है, एक पूरी असेंबली, जैसे हमारा बॉब कैलोरीमीटर है जिसे भी टेस्ट करने के काम आता है, डिफरेंट फ्यूल की, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल की, सॉलिड फ्यूल्स की, तो इसी तरीके से क्या है हमारी स्टीम टेस्टिंग किट आती है, उसमें क्या है एक प्रॉपर असेंबली होती है, आप उसमें क्या है कितने परसेंटेज ऑफ CO2 अवेलेबल है स्टीम में, वो क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लाख किलो कैलोरी थर्मिक फ्लूड हीटर को लेंथ एंड विड्थ एंड डाया क्या रहेगा सर जी। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करने लेकिन बताना तो मैं भी चाहूँगा, मैं आपको बता भी दूंगा इसके रिगार्डिंग, तो लेकिन बिफोर दैट क्या है दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आपको इस तरीके की क्वेरी होती है तो क्या है आप अपने मशीन के रिस्पेक्टिव मैनुअल को फॉलो कीजिए, उसमें क्या पूरी डिटेल दी होती है, यदि नहीं दी है तो फिर भी मैं क्या है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो राजेश्वर जी, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सबसे पहले अपने जो अपने ऑपरेशन मैनुअल मैनुअल है आप उनको फॉलो करें, उन पे एग्जैक्ट डिटेल मिलेगी, मैं जो बताऊँगा मैं आपको लमसम वैल्यू वैल्यूज बताऊँगा जो कि आपके लिए मे बी बेनिफिशियल है होगी या नहीं भी होगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले चाहूँगा यदि आप आपके इंचार्ज है या फिर HOD है या कंसर्न मैनेजर है तो आप उनसे इस तरीके डीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप को एक एग्जैक्ट डाटा आपको मिलेगा, वो मैं तो क्या है आपकी लमसम वैल्यू बता सकता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, क्योंकि देखो मैं
स्टार्टिंग में कि हम मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो में सिर्फ मैं वो अपने बॉयलर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास जो न्यूबीज़ हैं अपने पावर प्लांट सेक्टर के अंदर, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। कुछ प्रो लेवल के आदमी हमारे वीडियो भी देखते होंगे, तो डेफिनेटली वो क्या है, हमें क्रिटिसाइज करते हैं। तो दोस्तों मैं पहले ही क्लियर करके चलता हूँ कि आपका क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, यदि नहीं लग सकते तो आप स्किप करके आप जा सकते हैं। तो जिनको मैं अपनी इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू देना दे चाहता हूँ, उनके मेरे पास मैसेज भी आती है, ईमेल्स भी आते थैंक्स के, तो मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। तो प्लीज़ जैसे कि अभी एक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इस तरीके से क्रिटिसिज्म आता है मेरे पास। इन्होंने मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्वेश्चन पर इनका रीड कर रहा हूँ। जस्ट यू टेल आंसर ऑफ क्वेश्चन अदरवाइज टॉपिक इज बोरिंग। कि आपने मैंने एक कर्नाटका बीओ से रिलेटेड मैंने क्या है मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन का आंसर का उनका हिंट के साथ मैंने डिस्क्राइब किया था, तो मैंने उनके आंसर भी बताए। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि श्रीमान जी आपने सिर्फ आंसर ही बताए हैं, वरना हम पकाकर तो जो वीडियो है बिल्कुल बोरिंग है। तो दोस्तों कई बार क्या क्या होता है कि लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, क्या वो वीडियो फॉर्म में क्या है प्रिपरेशन कर लेते हैं थ्रू द वीडियोज़। तो क्या है, शायद आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल नहीं हो, लेकिन क्या है जो मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है, आप सपोज डेट आपके पास एग्जाम पेपर, आप कहीं से ढूंढोगे उनके आंसर, तो क्या है मैंने इसको ढूंढ के थोड़े से हिंट के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो डेफिनेटली उसके लिए क्या है हेल्पफुल हो गया। तो यही मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार कंटेंट क्या है सामने वाले के लिए मे बी हेल्पफुल ना हो, और किसी के लिए मोस्ट हेल्पफुल हो सकता है। तो ऑन द डेट ऑफ प्रायोरिटी किस तरीके से माइंड सेट करके हमारे वीडियो देखते हैं, वो सारी चीज़ें वो सामने वाले पे डिपेंड होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोल शिवाल का। ये पूछ रहे हैं सर आपका मोबाइल नंबर चाहिए, क्लास लगवाना है। तो दोस्तों इस तरीके की क्लासेस मैंने स्टार्ट तो की थी, कोशिश की थी मैंने, लेकिन क्या ड्यू टू द बिजी शेड्यूल क्या मैं उसको वे क्लासेस शेड्यूल नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या है मेरी जितनी कोशिश होती है आपको इस तरीके की क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको हमारा क्या चैनल है क्या वो सब्सक्राइब करके रखना है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स क्या है मार्केट में, आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ बहुत अच्छे कंटेंट वो शेयर करते हैं, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं ही यही कहना चाहूँगा कि यदि मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा सिर्फ मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपने किसी को प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन दोस्तों जो मेरे यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूँगा, आप क्या है मेरी ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका विद इन वन डे क्या है मैं आपका रिविट ज़रूर कर सकूँगा। तो सॉरी फॉर दैट राजू गुप्ता, मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं शेयर करता, आप मेरी ईमेल आईडी आप यहाँ से करके आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहे नील नीरज, इनका क्वेश्चन है कि सर ये जो आप बुक्स प्रोवाइड करते हो क्या ये हिंदी में भी होती है। दोस्तों जो भी पावर प्लांट्स की मोस्टली बुक्स है वो हिंदी में शायद ही बहुत कम मिलेगी, क्योंकि क्या है यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहोगे पावर प्लांट सेक्टर को, दोस्तों इतना बोरिंग होगा, इतनी हाई क्वालिटी की हिंदी होगी उसमें, तो दोस्तों क्या है वो आप बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, ना ही आपके पल्ले पढ़ने वाला। तो दोस्तों मैं ही यही प्रेफर करूँगा कि आप इस तरीके से आप कुछ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लिखें जो कि आपको हिंदी में आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उनको फिल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके से क्या है आप हेल्प ले सकते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम राठौड़ का, इनका पूछना है सर बैक प्रेशर मैकेनिकल गवर्नर का बारे में वीडियो बनाइए। क्योंकि दोस्तों मैं वुडवुड 505 के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, जैसे नहीं आप यदि आपको देखनी है तो डेफिनेटली आप वीडियो देख सकते हो जाके, और इसका लिंक मैं क्या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो डेफिनेटली यदि आपको इसको रिफ्रेश करके आप यदि आप चाहते हो तो डेफिनेटली मैं इसको रिफ्रेश करके एक वीडियो एक आपके लिए जरूर लेके आऊँगा डेफिनेटली। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से क्या है ड्यू टू द फैमिली प्रॉब्लम्स क्या है मैं अपने आप को शेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित वर्मा का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर इफ़ देर इज ए रिलेशन बिटवीन जनरेटर रेयर वाइब्रेशन विद AVR। सर क्या होगा यदि जो जनरेटर रेयर वाइब्रेशन ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन के साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों मिस्टर अमित वर्मा मैं आपको यही कहना चाहूँगा
कि मैंने कई केसेस में देखा है कि जब हम अपना लोड इंक्रीज करते हैं तो क्या है हमारा जो एक्साइटेशन वोल्टेज है वो भी क्या है इंक्रीज होता है। तो एट द टाइम क्या होता है कि हमारे वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं। यदि देखा जाए तो कि कहा जाए तो यदि एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो मे बी अपनी जो एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ने के कारण क्या है हमारी जनरेटर वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों हो सकता है जो हमारे एक्साइटेशन वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेगावाट हो सकती है। तो इसके पीछे वाइब्रेशन इंक्रीज होने के काफ़ी काफ़ी रीजंस है। एक पर्टिकुलर एक रीजंस को हम नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि मे बी जो हमारा जनरेटर एयर गैप है वो कम हो गया, उसका अनइवन कूलिंग नहीं प्रॉपर से कूलिंग नहीं हो पाई एट दैट टाइम, जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो सकती है। मे बी अपनी जो जनरेटर की जो अपनी वाइंडिंग है उनमें जो उनके वेजेस हैं वो उनमें भी डैमेज हो जाए, जो अपने जनरेटर हैं उसका जो लास्ट रिंग्स है उस वो में भी प्रॉपर से फिक्स ना हो या लूज़ हो। और तो क्या हम बहुत सारे कारण हैं, लेकिन देखा जाए तो यदि मैं इस क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर दूँ तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि हाँ यदि हम हमारी एक्सटेंशन वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्या हमारी जनरेटर वाइब्रेशन भी इंक्रीज होगी। और ये मेरी इतनी तरफ से जितना मैं जानता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैंने आपको इसका आंसर दिया है। तो अमित वर्मा जी मेरी तरफ से इतना ही है, यदि आपको इसके बारे में कुछ पता तो डेफिनेटली हमें अपने कमेंट कमेंट का अपडेट दे सकते हैं। दोस्तों आज मैंने 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के मैंने क्लियर किए हैं। आई होप आप इन आंसर से सेटिस्फाई होंगे। यदि किसी आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो डेफिनेटली आप कमेंट करते रहिए, हमें अच्छा लगता है और हम डेफिनेटली हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे या फिर इस तरीके से वीडियो के माध्यम से क्या है हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास करना चाहते हैं, और जो हमारा झारखंड धनबाद ने उसने क्या है अपना जो एग्ज़ाम है वो अनाउंस कर दिया है, और रिस्पेक्टिव डेट्स में क्या है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत।